हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ। तो वैसे मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे शादी में जाना है और मैं क्या ट्राई करूँ, क्या वियर करूँ। जैसे कि ऑप्शन में तो मेरे पास साड़ी है और लहंगा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं साड़ी पहनूँ या लहंगा पहनूँ, या दोनों को मिक्स करके कुछ इंडो वेस्टर्न में पहन लूँ, और हेयर स्टाइल क्या होनी चाहिए, क्योंकि बाल तो मेरे छोटे हैं और अभी मैंने जल्दी कटाए थे 4 महीने पहले, लेकिन फिर भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, बन तो बन ही जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि गर्मी है, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं है और इस समय मौसम तो ठीक है, लेकिन फिर भी शादी में ज़्यादा मतलब हाइलोजन वगैरह जलता है ना, तो गर्मी तो लगने ही लगती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो नेक पीस है, मैं लॉन्ग वाला ट्राई करूँ या शॉर्ट वाला, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो हो सकता है मैं ऑनलाइन उसे ख़रीद लूँ। और अभी तो खैर 1 हफ्ते का समय है शादी में जाने का, और 1 हफ्ते में तो ऑनलाइन आ ही जाएगा, तो ऑनलाइन ले लूँगी या फिर ऑफलाइन ही ले लूँगी, जैसा भी ठीक लगेगा, मतलब समय के अकॉर्डिंग। तो गर्मी में तो वैसे जो बिल्कुल चोकर वाला जो नेक पीस होता है, वो तो पहनने में गर्मी लगती है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैं जो लॉन्ग वाला जो होता है नेक पीस, उसे ट्राई करूं या चोकर वाला, या कुछ और गोल्ड में ही कुछ पहन लूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने थ्रेडिंग भी नहीं कराई है और बालों में मैंने अभी कलर भी नहीं किया है, और आप लोग देख रहे होंगे हल्के से सफ़ेद दिख रहे हैं बाल। तो अभी बहुत सारी तैयारी करनी है और समय है सिर्फ 1 हफ्ते का, और उस 1 हफ्ते में मुझे साड़ी में फॉल भी लगाना है, और ब्लाउज़ तो मैंने ऑनलाइन ले लिया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रीम वीडियो में दिखाया भी था, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का मैंने लिया है। तो ब्लाउज़ तो उसी से काम चला लूँगी, वही पहनूँगी। हाफ स्लीव्स में भी है और फुल स्लीव्स में भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ज्वेलरी का क्या करूँ, चोकर में पहनूँ या लंबे वाले जो आते हैं नेकलेस वो वाला ट्राई करूँ, और लहंगा पहनूँ या साड़ी पहनूँ ये भी समझ नहीं आ रहा, या इंडो वेस्टर्न में पहनूँ। एक्चुअली शादी जो है ना, वो ससुराल पक्ष में है, तो इंडो वेस्टर्न तो फिर ससुराल में सही नहीं लगता है, तो साड़ी या लहंगा ही सही लगेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, साड़ी या लहंगा? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग ज्वेलरी के बारे में भी बता सकते हैं, ताकि समय पे मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो अवेलेबल हो मैं ले सकूं। और आप लोग मुझे मेहंदी के लिए भी ज़रूर बताइएगा, वैसे मुझे तो मेहंदी ऐसी अच्छी लगती है जल्दी चढ़ जाती है, समय भी कम लगता है और लॉन्ग टाइम तक रहती भी है, और अच्छा भी लगता है, सिंपल एंड सुअर। तो कौन वाली मेहंदी लगाने में कौन अपनी आँख फोड़े, इतना मतलब टाइम लगता है, और चढ़ती तो अच्छी है, लेकिन बस 2-4 बार कपड़े वगैरह धुलिए, बर्तन धुलिए, वो पूरा साफ़ हो जाता है। और इसे देखिए, मैंने पिछले 4 दिनों से लगा रखा है और अभी भी देखिए कलर बहुत अच्छा है। तो मेहंदी तो मुझे ऐसी सही लगती है, वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेहंदी कैसी लगानी अच्छी लगती है, कोन वाली, बेल वाली, ठप्पे वाली या कोई और। तो वैसे मुझे टैटू बहुत अच्छा लगता है, जो परमानेंट टैटू होता है, जो कि मैं यहाँ पे हो सकता है कभी करवा सकती हूँ, लेकिन अभी तो बीच में काफ़ी अफवाहें आ रही थी कि टैटू करवाने से काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया था, या मतलब इन्फेक्शन हो गया था वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैंने नहीं कराया, नहीं तो मैं नवरात्रि में ही कराने वाली थी यहाँ पे टैटू। इस जगह पे अच्छा लगता है जब चूड़ी वगैरह कुछ पहनो और ऐसे दिखता है तो किसी से बातें भी करो ना ऐसे दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने टैटू करवाया है कि नहीं और टैटू अगर करवाया है तो कैसा करवाया है ये भी मुझे बताइएगा, मतलब नाम लिखवाया है अपने हस्बैंड का, वाइफ का, या कोई ऐसा ही मतलब सिंबल वगैरह करवाया है तो बताइएगा मुझे ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।